उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं की सुख सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग जल्द प्री बर्थ सेंटर की व्यवस्था करने जा रहा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में चल रहे वन स्टॉप सेंटर को प्री बर्थिंग सेंटर के तौर पर चलाया जाएगा, जिसकी विभाग से हमें अनुमति मिल चुकी है और NHM का जो सप्लीमेंट्री बजट है उसमें भारत सरकार से फंड की मांग की गई है ताकि जल्द ही वन स्टॉप सेंटरों को प्री बर्थिंग सेंटर के रूप में चलाया जाए ताकि गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध हो सके। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर संचालित हो रहे हैं। हमने एक प्रस्ताव इस डिपार्टमेंट को भेजा था कि जितने भी वन स्टॉप सेंटर्स हैं वो प्री बर्थिंग सेंटर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो प्राइमरी फेसी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से प्रस्ताव की स्वीकृति हमें मिल गई है, तो इसी के क्रम में हम लोगों ने हमारा जो सप्लीमेंट्री बजट है NHM का, उसमें ये भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इसके लिए फंड्स हमें उपलब्ध कराया जाए। तो जितने भी हमारे वन स्टॉप सेंटर्स हैं सभी 13 ज़िलों में, ये सभी वन स्टॉप सेंटर्स प्री बर्थिंग सेंटर के तौर पर ये काम करेंगे और जो गर्भवती महिलाएँ हैं जो डिलीवरी के लिए आती हैं टेस्ट वगैरह कराने और फिर उसके बाद फिर उनको थोड़ा दूर जाना पड़ता है गाँव में, तो वो यहाँ आके रह सकती हैं और उनका पूरा खर्च हेल्थ डिपार्टमेंट वह करेगा। सर, चारधाम की यात्रा